हेलो दोस्तों, डीजे कुमार ब्लॉग में आपको फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे L15MB500 जो कि आवजा का स्पीकर है जो कि आपको दिख रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, कितने वाट का है, कितना फ्रीक्वेंसी रहने है और कितना क्या क्या है, टोटल इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, मॉडल नंबर क्या है। तो इसका मॉडल नंबर आपका है L15MB500 जो कि पर्सनल PA स्पीकर है। जी हाँ, ये PA स्पीकर है। और इसका चलिए सबसे पहले बात करें इसका वेटेज कितना है। इसका वेटेज आपका 500, तो आपको 500 मतलब वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा। और ये PA स्पीकर है जो कि आपको बहुत अच्छा स्पीकर आपको मिलता है। और इसका सबसे बहुत अच्छा पॉइंट आपको मुझे देखने को मिला है, ये स्पीकर आपको 4 इंची का वॉइस कॉइल में आपको मिल जाएगा जो कि बहुत तगड़ा मतलब स्पीकर माना जाता है, बहुत अच्छा भी बजता भी है। अगर आप लोग ट्राई किए तो बहुत अच्छा है, और नहीं किए तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए और बात करें इसका इम्पीडेंट कितना है। इम्पीडेंट आपका है 8 ओम, और इसका सेंसिटिव भी आपका 97 dB है। और इसका मैग्नेट साइज़ आपका मिल जाता है आपका 2.6 kg। और इसका चलिए इसका फ्रीक्वेंसी रेंज आपको मिल जाता है 33 Hz। डायरेक्ट आपका मिनिमल में दिया है 33 Hz, तो आपको देख सकते हैं। तो चलिए इसका और बात कर लेते हैं इसका इसका वॉइस कॉल का। आपको पहले से बता दिया कि 4 इंच में यही आपका स्पीकर का खासियत है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसे आप किस तरह बॉक्स में बजा सकते हैं और किस तरह के में इसमें लगा सकते हैं तो बात कर लेते हैं। तो आप इसमें RX सीरीज में जो नया JBL का आया है उसमें आप लगा सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया बजेगा टॉप के लिए। और तो ये आपके इस पर टॉप के लिए बहुत बढ़िया बजेगा। और ये एम्पलीफायर आपका चाहिए आपका कम से कम, अगर 2 स्पीकर बजाना चाहते हैं या 4 स्पीकर बजाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एम्पलीफायर ले लीजिए, जो कि आपको ओम के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मैं इसे तो डायरेक्ट नहीं बताना चाहता आप लोग कितना हुआ मतलब कितना स्पीकर लाना चाहते हैं, उसी हिसाब का एम्पलीफायर भी बता देता हूं। तो चलिए इसका बात कर लेते हैं प्राइस की बात है। आपका प्राइस आपका लगभग पड़ जाएगा, देखिए जो कि आपको दिख रहा है, जो कि 7,635 रुपये आपको दिख रहा है। तो आपको इतना आपको रुपीस मिल सकता है, आपका मार्केट हिसाब से इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतना ही आपको मिल जाएगा। तो आज का आपका इस वीडियो का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। और आप जो मैं बताया नहीं कि कितना आपका स्पीकर लगाना है तो उसके हिसाब से मैं एम्पलीफायर बता दूंगा। तो चलिए आप कमेंट कीजिए और मैं इसका एम्पलीफायर बता दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट में इसी तरह वीडियो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।